बिटकॉइन एक कोई तो ऐसा ऑनलाइन करेंसी है, गैम्बलर्स उसके लिए काम आता है। वॉरेन बफे, उनने भी बोला है कि ये मतलब ये लॉस में जाएगा आगे जाके। इट्स लाइक ब्लैक मनी काइंड ऑफ स्टफ। ऑलराइट गाइस, आज हम लोग यहाँ पे ठाकुर कॉलेज के पास आए हैं और हम लोगों से कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में, कि उनको बिटकॉइन के बारे में पता है और पता है तो क्या पता है। और आज हमारे साथ है अभिषेक फ्रॉम होडला टीवी। अभिषेक, क्या लगता है क्या बोलने वाले हैं लोग? यार देखते हैं लोग क्या रिस्पांस देते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट का क्राउड ज्यादा है मुझे लगता है, तो देखते हैं हमारे इंडिया को यूथ को कितना पता है क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में, तो ये बात करने से ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को यूथ को बिटकॉइन के बारे में मालूम करना बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन क्या बोलता है। गाइस रेडी? ऑलराइट गाइस, आज हमारे साथ है, आपका नाम? वेदांत निकम। कार्तिक नायर। वेदांत। कार्तिक और वेदांत, आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता है क्या? बिटकॉइन क्या होता है? आई डोंट नो, आई डोंट। सुना है? क्या हो सकता है बिटकॉइन? मतलब ऑनलाइन मनी, आई थिंक सो, ई मनी। आपका नाम? वेदांत। ओके वेदांत, नाइस टू मीट यू। तो आपने क्रिप्टो के बारे में सुना है या बिटकॉइन के बारे में? यस, बिटकॉइन। ओके, बिटकॉइन जानते हैं, तो आपको पता है बिटकॉइन क्या है? ऑनलाइन मनी। ऑनलाइन मनी, तो इसके अलावा बिटकॉइन के बारे में कुछ जानते हैं आप? सो वीर एंड गौरव, आज हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आपने बिटकॉइन के नाम के बारे में कभी सुना है? हाँ सुना है। क्या है ये बिटकॉइन? एक कोई तो ऐसा ऑनलाइन करेंसी है, पर वो मतलब बड़े बड़े जो जैसे कि इसमें गैम्बलर्स उसके लिए काम आता है। बाकी जो ये है ना वर्ल्ड्स इन्वेस्टर, कौन है? वॉरेन बफे। उनने भी बोला है कि ये मतलब ये लॉस में जाएगा आगे जाके। ये इसे कुछ नहीं है, इसे फेक है, ऐसा कुछ था। मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसने जो बोला वो ठीक है। नाइस टू मीट यू यश एंड सुप्रिया। सो आज हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग ने कभी बिटकॉइन के बारे में सुना है? घर में बिटकॉइन। बिटकॉइन यश। तो क्या लगता है आपको क्या ये बिटकॉइन इज एन ऑनलाइन करेंसी? लाइक कुछ सालों पहले ये चालू हुआ था एंड पीपल हु इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी आर सुपर रिच राइट नाउ। सो लाइक सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट कर लिया तो दे आर फकिंग रिच राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो आज हमारे साथ है आयुष, नैना, तन्वी। आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने कभी बिटकॉइन के बारे में सुना है? बिटकॉइन क्या होता है, सुना है कि नहीं सुना है पहले ये बताओ। नहीं। आप लोग ने बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है? ऑनलाइन करेंसी के बारे में सुना है? हाँ, ऑनलाइन करेंसी लाइक के बारे में सुना है? नहीं। ऑनलाइन करेंसी क्या हो? ऑनलाइन करेंसी लाइक पेटीएम वगैरह। आप लोग क्या मतलब क्या स्टडीज कर रहे हो? कॉमर्स। और गाइस, आज हमारे साथ है फुरकान बेनी मोहम्मद। गाइस, आज हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको बिटकॉइन के बारे में पता है, कुछ सुना है आपने? नहीं। हाँ, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी जिसमें मतलब कि काफ़ी लोग इंटरकनेक्टेड वे में वो लोग यूज़ करते हैं, और वो लोग एक्चुअली कितना रहता है, कितना कम गया है, ज़्यादा हो गया, वो लोग सब लोग उसका अपडेट करते रहता है, समथिंग लाइक दैट। वही एक यही करेंसी इसके बारे में सुना है, चाइनीज है शायद। आप लोगों का नाम? मेरा नाम विक्रम। अश्विन। हिमांशु सिंह। हेलो, तो आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में कुछ सुना है अभी तक? सो अमीर, हम लोग आज लोगों से पूछ रहे हैं कि आपने कभी भी बिटकॉइन के बारे में सुना है? बिटकॉइन यस या। सो क्या लगता है आपके हिसाब से क्या है बिटकॉइन? बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, यू डील इट, इट्स इलीगल इन इंडिया। I have just heard that. I don't know what exactly it is. आपने बोला कि it's illegal or legal? Illegal in India. अच्छा। तो क्या सुना है मतलब Bitcoin के बारे में? Digital money trading के लिए use होता है। Trading, cool. चलो एक positive response आया। Tia and Khushi, nice to meet you all. आज हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आपने कभी Bitcoin के बारे में सुना हुआ है? Bitcoin. I've heard the name, but like I'm not sure what it is. It's same. Okay, so what could it be? Let's think, what could it be? No idea at all. आपका नाम? विवेक सिंह। शिवम तिवारी। ओके शिवम एंड विवेक, तो आपने अभी तक बिटकॉइन के बारे में कुछ सुना? सब कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव या कुछ भी?
तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि मैंने और शिव ने काफ़ी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पांस भी है और कुछ नेगेटिव रिस्पांस भी मिला. तो इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? बैड. या बैड थिंग. व्हाई डू यू थिंक सो? बिकॉज़ इट्स लाइक ब्लैक मनी काइंड ऑफ स्टफ. एंड आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है कि बिटकॉइन जिन लोग में भी पैसा डाला है वो सब खत्म होते जा रहा है. इट्स गेटिंग डिप्लीटेड एट अ वेरी फास्टर रेट. तो आप लोगों को मानना है कि ये गलत चीज़ है. डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग? अच्छा है बुरा है? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. लाइक फिर स्कैम करने का चांसेस कम है लाइक ऑनलाइन करेंसी मैन. इट्स बेटर देन लाइक हार्ड करेंसी बिकॉज इससे ब्लैक मनी का जनरेशन कम होता है. वाह, पहली बार मैंने कुछ पॉजिटिव ऑनलाइन के बारे में पॉजिटिव सुना. ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हो क्योंकि ये ऑनलाइन होता है तो हर एक चीज़ें ट्रैक की जा सकती हैं. क्योंकि आप कैश में कर सकते हो बट ऑनलाइन चीज़ें ट्रैक की जा सकती हैं. तो आपके हिसाब से क्या है, ये अच्छा है बुरा है या पॉजिटिव निगेटिव? ऐसे कभी कुछ गूगल में कुछ पढ़ा? नहीं, इतना नहीं पढ़ा. आई मीन इज इट अ गुड थिंग बैड थिंग, अच्छा है बुरा है, क्या लगता है आपको? उसको कभी हम लोग को अपने इंडियन करेंसी के साथ ये एक्सचेंज होने नहीं देना चाहिए वरना क्या हो सकता है, अपना इकोनॉमी पे टोल लाएगा वो काफ़ी ज़्यादा. ये बुरी चीज़ है ओवरऑल. हाँ, काइंड ऑफ यस. राइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड सो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? वेल, आई डोंट हैव एन इनडेप्थ नॉलेज बट मे बी इट्स नॉट रियली अ गुड थिंग दे से. सो हैव यू ऑल्सो बीन keeping yourself up to date on what other countries are doing? No idea. Okay, so just since we are talking, so all the other countries are looking at it very positively. It's a new tech and we are just hoping that India will also, you know, change its perception and will get into depth. But I'm so glad that you know about it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Is it a good thing or bad thing? Maybe a good thing. Maybe. Like you can't judge anything by just if you don't. So how did you hear about Bitcoin? I don't know, I've heard it somewhere. Okay. Cool. Thank you so much, Tia. Thank you so much. तो आपको क्या लगता है, मतलब ये अच्छा है या खराब है, मतलब इसका एडवांटेज है? मैंने जितना तो सुना है उसके हिसाब से तो अच्छा है. मतलब आपने क्या ऑनलाइन सर्च करके पता किया या किसी फ्रेंड के थ्रू? मतलब किसी फ्रेंड के थ्रू. तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में भी सुना है? इसके बारे में ब्लॉकचेन? No, I've not heard about it. Right. So ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी है बिहाइंड बिटकॉइन विच मेक्स इट पॉसिबल यू नो टू हैव. तो ये बताइए कि आपने सो बेसिकली इट्स अ क्रिप्टो करेंसी आप बोल रहे हो तो ये वाह इनको ब्लॉकचेन भी बताया. ग्रेट. सो ब्लॉकचेन के बारे में और बताइए क्या होता है ब्लॉकचेन, कुछ बता पाओगे आप? ब्लॉकचेन मुझे बस इतना ही. अच्छा, आप कौन से स्टूडेंट्स हो, आप क्या कर रहे हो? सिविल इंजीनियर. दैट इज व्हाई प्रोबब्ली ही नोस. आप लोग ने ब्लॉकचेन का नाम नहीं. ओके, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ब्लॉकचेन के बारे में समझिए. बिटकॉइन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन भी टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्दी है इसीलिए लोगों का अलग अलग विचार है. बट हैव यू बॉट एनी बिटकॉइन और डू यू नो एनी फ्रेंड्स? नो. थैंक यू सो मच. यू नो योर फ्रेंड्स? हु इज दैट? सॉरी, हमारा इंटरव्यू था और काफी मिक्स्ड रिएक्शन था. कुछ लोगों को बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है तो गलत चीज़ें पता है, उनको लगता है बिटकॉइन कोई बुरी चीज़ है. एक दो खाली सिर्फ पॉजिटिव आंसर मिले हैं तो ऐसा लगता है हम लोगों को कि काफ़ी यू नो काफ़ी लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी अनअवेयरनेस है. बट अगेन ये ऐसे इंटरव्यूज़ हम लोग बहुत सारे करते रहेंगे मुंबई में. एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट में बताइए कि आपको ऐसे इंटरव्यूज़ और ऐसे अपलोड करें या नहीं करें. ओके, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.